दोस्तों नमस्कार, हिमालय आयुर्वेद चैनल में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों आज की जो वनौषधि है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद में इसका बहुत ही प्रमुख स्थान है। इसको कहते हैं दोस्तों गूलर। तो आज की दिव्य औषधि गूलर के बारे में आपका परिचय करवा रहे हैं। ये देखिए बड़ा सुंदर ये वृक्ष है गूलर का। इसमें देखिए ये गूलर एक पका भी है, अभी कच्चे हैं, कुछ समय बाद पक जाएंगे गूलर। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ये है गूलर। देखिए इसका जो मुख्य रूप से औषधीय यूज होता है वो ये होता है कि जिन लोगों को शारीरिक अक्षमता में कमी है, इनका कि स्पर्म कम हो गया है, स्पर्म काउंट कम है, या फिर उन्होंने अपने सीमेन को अनावश्यक रूप से नष्ट किया है, तो उसकी पूर्ति करता है यह शुक्रवाह स्रोतस से संबंधित व्याधियों के लिए अमृत का काम करता है। इसको खाने का तरीका दोस्तों ये है, ये देखिए इसे कि जैसे मैंने तोड़ा इसे तो इसे चिपचिपा एक शीर यानी कि दुग्ध निकल रहा है। ये देखिए हल्का सा इसको तोड़ने पे दुग्ध निकल रहा है। तो जिन लोगों को धातु में कमजोरी है, सीमेन जिनका नष्ट हो गया है, युवावस्था में कमजोर हो गया है, या जो लोग अधिक आयु के कारण धातु क्षय की जिनकी दिक्कत हो गई है, जिनको शारीरिक बल की कमी हो गई है, तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए रोज सुबह एक बतासे में इसकी जितनी बूंदें हो सके 10-15 बूंदें कम से कम, तो इसकी 10-15 बूंदें बतासे के साथ लेने से, क्योंकि दोस्तों ये खाली इसको आप सीधे भी ले सकते हो, लेकिन सीधे क्या है कि ये मुंह में चिपक जाता है, तो 10 बूंदें या 20 बूंदें इसकी जितना हो सके रोज सुबह मॉर्निंग टाइम में आप इसको लें। आप लगातार एक महीने प्रयोग करके देखें, बहुत ही आशातीत लाभ मिलेगा, क्योंकि यह शुक्रवाह स्रोतस से संबंधित व्याधियों में अमृत तुल्य एक मनौषधि है और सर्वसुलभ है। यह पूरे भारतवर्ष में अधिकांश स्थानों पर मैंने खुद देखा है, जहाँ जहाँ मैं गया, अधिकांश जगह जहाँ जहाँ मैं जा रखा हूँ, मैंने देखा कि यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, बहुत सारी जगह में यह अधिकाधिक मिल जाता है। तो दूसरा इसका उपयोग हम इस तरह से कर सकते हैं कि ये तो इसका ताज़ा प्रयोग हो गया, इसको जब फल ना मिले, वर्ष में हमेशा कुछ पौधे ऐसे होते हैं, इसके कुछ वृक्ष जातियाँ ऐसी होती हैं कि उसमें हमेशा फल लगते हैं, कुछ में सदाबहार वर्ष भर फल नहीं लगते, तो उसकी जगह आप इसके जो पत्ते होते हैं ये इसको तोड़ के, इसको पत्ते को तोड़ेंगे तो इसमें से भी क्षीर निकलता है, एक दूध निकलता है, मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें से शीर निकलता है। देखिए ये पत्ता है, ये देखिए मैंने तोड़ा तो इससे ये चिपचिपा दूध निकल रहा है, और ये देखिए इसका अचार और सब्जी भी बनती है। ग्रामीण क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में इसको क्या करते हैं कि उबाल लेते हैं प्रेशर कुकर में, 1-2 सीटी उबाल लेते हैं, और जब ये मुलायम हो जाता है, गल जाता है, तो इसको छोटा काट के, आलू की तरह काट के, भून के इसकी ड्राई सब्जी बहुत टेस्टी बनती है, करेले की तरह ड्राई सब्जी बहुत अच्छी होती है इसकी। और ये जो है अंजीर, फिग जो होता है, फिग अंजीर किस्म का पौधा है, ये उसी का जो है उपजाति है एक। दोस्तों यूनानी में भी इसका बहुत ही अच्छा प्रयोग हमने देखा कि उपयोग किया जाता है वहाँ पे भी, यानी कि क्षीर से जो क्षीर निकलता है वह स्पर्म बढ़ाता है। आयुर्वेद यूनानी दोनों पद्धतियों में इसका बहुत ही अच्छा मतलब उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों और इसका जो फल होता है जब पक जाता है तो बहुत मीठा होता है, वो ये देखिए वो नीचे फल है वो मीठा होगा। इसका जो दूसरा उपयोग है वो अचार के रूप में भी
पर्वतीय क्षेत्रों में इसका किया जाता है, यानी कि इसको उबाल के प्रेशर कुकर में सीटी मार के जब सॉफ्ट हो जाता है उसके बाद इसको धूप में सुखा के इसका पानी जैसे कि निकल जाए थोड़ा निथार के पानी उसमें से मतलब कम से कम रहना चाहिए फिर जैसे कि ड्राई हो सड़े नहीं। और फिर इसमें अचार मसाला नमक इत्यादि अचार को सरसों के तेल को उबाल के ठंडा करके और बरनी में जार में भर दें और इसको भी साथ में नमक मिर्च वगैरह सारा मसाला वगैरह मिक्स करके इसका जो है अचार पूरे वर्ष भर ख़राब नहीं होता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इस तरह के वीडियो आगे मिलते रहेंगे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें और बेल आइकॉन वाला बटन जरूर दबा दें जिससे कि छोटे छोटे नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।